हेलो फ्रेंड्स, मैं मयूर विफिक्स इंडिया, राजकोट गुजरात। हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए रेगुलरली टेक्निकल वीडियोस जो है वो प्रेजेंट करते आ रहे हैं। आज भी आपके लिए एक और टेक्निकल वीडियो जो कि एलसीडी एलईडी पैनल के रिलेवेंट है, जिसमें एयूओ का एक टिकॉन बोर्ड है T315, उसके अंदर वीजीएल जो है उसके रिलेवेंट प्रॉब्लम है। वीजीएल जो है वो मिसिंग है, उसके रिलेवेंट प्रॉब्लम है। तो उसका फॉल्ट फाइंडिंग कैसे होता है और उसको कैसे सोल्व किया जाता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा ये प्रैक्टिकल वीडियो के द्वारा। तो आइए पहले देख लेते हैं कि इसमें फॉल्ट जो है वो किस प्रकार से सोल्व किया है। फ्रेंड्स, ये एक एयूओ का टिकॉन बोर्ड है जो कि जिसका नंबर है T315HW04। इस टिकॉन बोर्ड के अंदर VGL जो है वो नहीं बन रहा है। ये AUO का टिकॉन बोर्ड है, यहाँ पे उसका पूरा DC-to-DC सर्किट है। ये वाला ये उसका टिकॉन IC है और यहाँ पे उसका गामा IC है और ये उसके दो मेमरीज हैं, जिसमें ये वाला इंटरनल मेमरी है और ये एक्सटर्नल मेमरी है। तो इसके अंदर जो AVDD है उसके लिए बूस्ट कन्वर्टर सर्किट ये वाला है, ये कोयल और ये एक डायोड जो AVDD की बूस्ट कन्वर्टर सर्किट है। यहाँ पे बक कन्वर्टर सर्किट है, ये डायोड और ये कोयल जो है वो बक कन्वर्टर सर्किट है। और ये वाला जो DC, ये अपना DC रेगुलेटर है जो कि 1.2 वोल्ट बनाने के लिए है। यहाँ पे ये VGH मॉड्यूलेट VGH के लिए IC दिया गया है। यहाँ पे ये टिकॉन IC है, ये उसका गामा IC है। तो सारे टेस्ट पॉइंट्स मैंने चेक किए थे, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो AVDD बनाया वो ये प्रोटेक्शन MOSFET जो है उसके आउटपुट्स में यहाँ पे मेजर कर सकते हैं उसको, जो कि 16 वोल्ट आ रहा है। आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं ये 16 वोल्ट जो है वो आ रहा है। AVDD है यहाँ पे, उसका टेस्ट पॉइंट थोड़ा डिस्टेंस पे यहाँ पे दिया हुआ है, इस जगह पे AVDD का टेस्ट पॉइंट है, लेकिन मेनली उसका जो सोर्स है वो यहाँ से है, यहाँ से AVDD सप्लाई होता है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट है, इस जगह पे 3.3 वोल्ट भी बन रहे हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे ये 1.2 वोल्ट का रेगुलेटर दिया है जो जिसमें 1.2 वोल्ट भी बन रहा है। और यहाँ पे ये VGH का टेस्ट पॉइंट है, इस जगह पे ये VGH जो है 27.46 बन रहा है। तो और यहाँ पे VGL का सर्किट है, लेकिन उसका टेस्ट पॉइंट है यहाँ पे डिस्टेंस पे दिया हुआ है, इस जगह पे यहाँ पे VGL का टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है ये कनेक्टर के इनपुट में। तो यहाँ पे मैं जब VGL देखता हूँ तो ये -5.98 वोल्ट आ रहा है, जो कि थोड़े कम VGL है। यहाँ पे VGL जो है वो थोड़े कम बन रहे हैं। यहाँ कभी ऐसा होता है कि ये वोल्टेज जो है -2 वोल्टेज तक चला जाता है, ड्रॉप हो जाता है पूरा वोल्टेज। तो अभी ये जो है -5.98 आ रहा है। ये वोल्टेज जो है वो लगातार चेंज होते रहते हैं। कभी हम बंद करके चालू करते हैं तो वो 2 point something वोल्टेज हो जाते हैं, कभी चालू करते हैं तो कुछ भी 0 वोल्टेज आ जाता है वहाँ पे, और अभी चालू है तो ये -5 point something आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे VGL जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये बार बार चेंज होते रहते हैं, और जब उसको लोड देते हैं तब तो बिल्कुल वो ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पे उसका VGL सर्किट है, इस जगह पे इसमें नेगेटिव चार्ज पंप यूज़ किया हुआ है, उसके लिए ये वाला फ्लाइंग कैपेसिटर जो है ये VGL का जो ये स्विचिंग के लिए यहाँ पे दिया है। ये VGL का ड्यूअल डायोड है ये वाला, जिसमें ये वाला पिन जो है वो यहाँ ये फ्लाइंग कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है इस जगह पे। तो यहाँ पे उसका स्विचिंग आता है इस जगह पे, और यहाँ पे VGL आउट होता है इस जगह पे, और यहाँ पे उसका दूसरा जो सिरा है ये वाला जो है वो ग्राउंड रहता है यहाँ पे। तो अभी हो रहा है ऐसा है कि यहाँ पे VGL निकल तो रहा है लेकिन पूरा नहीं निकल रहा है,
अभी -5 वोल्ट जितना निकल रहा है, जो कभी कभी ड्रॉप भी हो जाता है, पूरा 0 भी हो जाता है, कभी 2 वोल्ट जितना दिखाता है, ऐसा स्टेबल नहीं दिखाता है यहाँ पे। तो इसका सर्किट जो है वो इस तरह प्रकार से कि यहाँ से फ्लाइंग कैपेसिटर में से स्विचिंग आया, ये आईसी के द्वारा यहाँ से स्विचिंग आया और ये डायोड में यहाँ पे स्विचिंग हुआ, और उसका ये जो डायोड है, ये ड्यूअल डायोड है, यहाँ पे जो डायोड निकलता है वो यहाँ पे ये रिवर्स बायस में लगा होता है इंटरनल डायोड, यहाँ पे वीजीएल आउटपुट निकलता है और यहाँ पे जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो ये ग्राउंड में ड्रॉप होता है। तो इस प्रकार से ये होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से स्विचिंग चेक कर लेंगे कि स्विचिंग मेन तो आईसी से आ रहा है कि नहीं। अगर आईसी से स्विचिंग नहीं आ रहा है तो आईसी की तरफ से जो है प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए डीएसओ के ऊपर हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है उसके इस तरफ में यहाँ से आईसी के द्वारा स्विचिंग आएगा, इस तरफ स्विचिंग आएगा, ये पॉजिटिव स्विचिंग है। देखिए यहाँ से अभी आईसी के तरफ से यह स्विचिंग आ रहा है, डीएसओ के ऊपर आप देख सकते हैं। और इस तरफ जब बाहर जो है, इस बाहर की तरफ, इस तरफ जो है वहाँ पे नेगेटिव स्विचिंग मिलेगा आपको। मैं ठीक से प्रॉब लगा देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव स्विचिंग आप देख रहे हैं। और यहाँ से वो स्विचिंग जो है वो ये डायोड के इस तरफ यहाँ पे जाता है, यहाँ पे भी नेगेटिव स्विचिंग आप देख सकते हैं कि आ रहा है। मतलब कि ये आईसी जो है वो पूरी तरह से काम कर रही है, स्विचिंग कर रही है आईसी। तो अभी हमें ये डायोड जो है वो चेक करना चाहिए। तो डायोड को चेक करने के लिए ये इसको स्विच ऑफ कर देते हैं बोर्ड को, और मल्टीमीटर को डायोड मोड में कर दिया। अब ये डायोड जो है उसमें किस प्रकार से होगा, जो ड्यूअल डायोड है वो कुछ इस प्रकार से होगा। मैं यहाँ पे उसका ड्राइंग बनाता हूँ कि ये जो डायोड है यहाँ पे 3 लेग है उसके। यहाँ पे ये सिरा जो है वो ग्राउंड किया हुआ है, यहाँ पे VGL आउट है इस जगह पे, और यहाँ पे स्विचिंग आ रहा है इस जगह पे। तो इसमें डायोड किस प्रकार से होगा, तो कि यहाँ से इस प्रकार से डायोड होगा फॉरवर्ड बायस में, और यहाँ पे जो डायोड रहेगा वो रहेगा रिवर्स रहेगा, इस प्रकार से ये डायोड जो है, ये वाला जो डायोड है वो इस प्रकार से होना चाहिए अंदर। तो यहाँ पे ये वाला डायोड है उसका यहाँ पे कैथोड हुआ, ये एनोड हुआ, इसका कैथोड यहाँ पे हुआ, मतलब कि इस जगह पे, और यहाँ पे उसका एनोड हुआ। इसका एन जब यहाँ पे ये डायोड हम चेक करते हैं तब इस ये डायोड का एनोड यहाँ हो जाता है, मतलब ये एनोड और ये कैथोड और ये एनोड, ऐसे जो डायोड है वो इस प्रकार से कुछ लगा हुआ है। इससे क्या होगा कि यहाँ से जो भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ग्राउंड हो जाएगा, और यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो है वो आगे सप्लाई होगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस में डायोड लगा हुआ है। तो हमें सबसे पहले ये डायोड चेक करना चाहिए। तो उसके लिए मल्टीमीटर को डायोड मोड में कर दिया है। अभी ये जो डायोड है उसका पहले ये वाला जो लाइन है, ये वाला डायोड वो चेक कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ उसका कैथोड है तो वहाँ पे हम ब्लैक प्रोब रखेंगे, और यहाँ पे ये रेड प्रोब रखा, तो वो कितना रेजिस्टेंस आ रहा है उसमें, 0.644 का रेजिस्टेंस आ रहा है। ये मैंने अभी उल्टा प्रोब रखा हुआ है, अभी ये इसका कैथोड के ऊपर रखा और यहाँ पे रखा एनोड के ऊपर। अभी जो एक्चुअल डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो दिखाना चाहिए, 240। तो यह ये जो रेजिस्टेंस है वो अभी दूसरा डायोड में चेक करते हैं। तो उसका कैथोड जो है, दूसरा डायोड का कैथोड यहाँ पे है और ये उसका एनोड है। तो यहाँ पे देखिए कितना दिखा रहा है, 406। ये रेजिस्टेंस जो है वो इसका जो रेजिस्टेंस था, उस ये डायोड का जो रेजिस्टेंस था उससे वेरी आ रहा है, मतलब चेंज आ रहा है। ये 241 ये जो रेजिस्टेंस है वही सेम रेजिस्टेंस जब हम यहाँ पे ये पोजीशन में रखते हैं, ये वाले जो ग्राउंड के साथ जो डायोड है वहाँ पे रखते हैं, उधर भी उतना ही रेजिस्टेंस आना चाहिए।
241 जबकि ये दिखा रहा है 406। ओके, मतलब कि यहाँ मैं ड्राइंग में अगर आपको दिखाऊं तो जब हम ये डायोड चेक करते हैं उसके कैथोड के ऊपर ब्लैक प्रोब रखा और एनोड के ऊपर ये रेड प्रोब रखा है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आता है 20 समथिंग रेजिस्टेंस आता है, वही रेजिस्टेंस जो है हम ये डायोड जब चेक करते हैं उस टाइम पे आना चाहिए यहाँ पे। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ से अलग आ रहा है, इस जगह से अलग आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो डायोड लगा रहा है, ये जो डायोड है, ये वाला डायोड, वो इसमें फॉल्टी होने के चांसेस है इसके अंदर, क्योंकि ग्राउंड प्रॉपर नहीं हो रहा है इसलिए VGL जो है वो ठीक से नहीं बन रहा है। तो अभी यहाँ पे जो ये डायोड है वो फॉल्टी होने के चांसेस है इसमें, इस सर्किट में। तो हमें सबसे पहले तो ये डायोड जो है वो रिप्लेस करके देखना चाहिए। ये डायोड जो है अभी हम रिप्लेस करते हैं, सेम ऐसा दूसरा डायोड ढूंढना होगा जिसके अंदर इस प्रकार से डायोड लगे हुए हैं। ओके, इस प्रकार से डायोड लगे हुए हैं, ऐसा सेम डायोड जो है वो हमें इसमें लगाना होगा। तो हम इसको रिप्लेस करते हैं पहले। अभी ये डायोड जो है यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, ये पुराना वाला डायोड जो है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ उसमें फोल्ड क्या है। ये जो डायोड है, पहले हम ये वाला डायोड यहाँ पे चेक करेंगे, तो उसका कैथोड है यहाँ पे और ये उसका एनोड हुआ। यहाँ पे जब इसको प्रॉब लगाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है कितना आ रहा है, 241 आ रहा है। ओके, तो और इस तरफ जो है वो ओपन दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, तो ये ओपन दिखाएगा। और अभी ये वाला जो डायोड है उसको चेक करते हैं, ये वाला डायोड जिसका कैथोड यहाँ पे है, तो यहाँ पे ब्लैक प्रोब लगाएंगे इस तरफ और यहाँ पे उसका एनोड है जहाँ पे रेड प्रोब लगाएंगे, तो ये ओपन आ रहा है। देखिए ये ओपन आ रहा है, मतलब कि आइडियली इस जगह पे 241 का रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए यहाँ पे। ओके, जो कि ओपन आ रहा है, और इस तरफ जब हम लगाते हैं यहाँ पे तो भी ओपन दिखा रहा है, ये भी ओपन दिखा रहा है। ओके, तो मतलब कि यहाँ का जो डायोड है, ये वाला डायोड जो है वो माल फंक्शन कर रहा है, अभी ये ओपन हो गया है। ओके, तो फिर ये उसकी जगह पे नया जो डायोड है, दूसरा डायोड जो है वो लगाया हुआ है, उसका हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे पहले। तो पहले ये वाला देखते हैं यहाँ पे कितना है, ये 250 रेजिस्टेंस दिखा रहा है, 250। ओके, और ये वाला जो डायोड है उसका बाजू वाला डायोड जो है वो भी 250 दिखा रहा है। देखिए, मतलब कि दोनों डायोड जो है वो इसके, ये कंपोनेंट सिंगल है लेकिन इसमें दो डायोड लगे हुए हैं इंटरनल, तो इंटरनल दोनों डायोड जो है वो अभी सेम रेजिस्टेंस दिखा रहा है, मतलब कि अभी ये ओके कंपोनेंट यहाँ पे है। ओके, ये दोनों डायोड जो है अभी इक्वल रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, तो अभी यहाँ पे ये सही डायोड लगा हुआ है। हम इसको ऑन स्विच ऑन करके एक बार देखते हैं, तो ये स्विच ऑन हो गया और अभी इसका जो वोल्टेज है यहाँ पे मेजर करते हैं। ये इनपुट है इसका, स्विचिंग है, सॉरी मल्टीमीटर को मुझे वोल्टेज मोड में करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे इसका इनपुट है, VGL का स्विचिंग है इस जगह पे, तो यहाँ पे तो स्विचिंग दिखाएगा जो हमें ये DSO के ऊपर दिखेगा। यहाँ पे अभी -2 समथिंग वोल्टेज आ रहा है जो DSO के ऊपर, यहाँ पे स्विचिंग दिखेगा और यहाँ आउटपुट में यहाँ पे VGL निकलेगा जो -6 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिए, ये अभी -6 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे। तो अभी जो VGL है ये प्रॉपर आ रहा है, पहले कितना वोल्टेज था, 5.90 समथिंग वोल्टेज था जो एबनॉर्मल था, और कभी उसमें -2 वोल्ट भी आता था, कभी 0 वोल्ट भी आता था, कोई फिक्स नहीं रहता था, क्योंकि ये डायोड जो इस तरफ का था वो माल फंक्शन कर रहा था। अभी ये डायोड रिप्लेस कर दिया तो VGL जो है वो ओके हो गया। ओके, तो कभी कभी इस प्रकार से बहुत छोटा सा फॉल्ट रहता है लेकिन पूरा DC-to-DC सर्किट जो है उसके लिए छेड़ना नहीं है, पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है उसको ढूंढना है और उसको रिप्लेस करके सर्किट ओके हो सकती है। तो
उसके लिए DSO जो है वो भी काफ़ी काम आता है, क्योंकि हम स्विचिंग चेक कर सकते हैं कि स्विचिंग आ रहा है कि नहीं, IC के द्वारा स्विचिंग मिल रहा है कि नहीं। अगर स्विचिंग ही नहीं है तो हम IC के ऊपर डाउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर स्विचिंग है तो पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है वो फॉल्टी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। आपको ये जो फॉल्ट फाइंडिंग था VGL मिसिंग के रिलेवेंट, वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के फॉल्ट एक्चुअली सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें सर्किट का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि टिकोन सर्किट जो है वो किस प्रकार से काम करती है, उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड लगे होते हैं, VGL VGH जो है वो उसके लिए नेगेटिव चार्ज पंप रहता है वो किस प्रकार से उसको ट्रेस किया जाए, ये सब जो है वो नॉलेज होना ज़रूरी है। अभी जो मार्केट में सब लोग काम कर रहे हैं, जो ऐसा कह सकते हैं कि आधा नॉलेज है, उसके अंदर क्या होता है कि ये VGL नहीं आ रहा है तो सीधा DC to DC IC को चेंज कर दिया, VGH नहीं आ रहा है DC to DC IC को चेंज करो। लेकिन ऐसा नहीं है, DC to DC IC जो है वो सीधा सीधा VGL VGH या कोई भी सप्लाई जो सीधा आउटपुट नहीं देती है, उसके लिए उसकी स्विचिंग सर्किट रहती है, उसमें स्विचिंग सिग्नल्स रहता है, फीडबैक सर्किट रहती है, वो पूरा सर्किट जो है वो बूस्टर सप्लाई या तो VGL या तो VGH बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो आइडियली वो सारे कंपोनेंट्स हमें चेक करने चाहिए, फिर कोई डिसीजन लेके पर्टिकुलर कंपोनेंट फॉल्टी कंपोनेंट ढूंढ के फिर उसको रिप्लेस करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो रिपेयरिंग्स रहते हैं उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो टिकोन सर्किट जो है टेम्पर्ड हो जाएगी और फिर फॉल्ट सॉल्व होने वाले फॉल्ट भी रिपेयर नहीं हो सकेंगे। तो हमने इसी प्रकार के फॉल्ट के लिए नॉलेज ट्रांसफ़र के लिए हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू किया हुआ है, जो कि इसके अंदर सारा कुछ जो है स्कीमेटिक बेस हम सिखाते हैं कि टिकोन सर्किट जो है किस प्रकार से काम करता है, उसका पूरा स्कीमेटिक वर्किंग स्कीमेटिक जो है वो अलग अलग ब्रांड का, जैसे AUO है, फिर दूसरी ब्रांड है जैसे BOE है, तो अलग अलग ब्रांड के पैनल्स जो है उसका स्कीमेटिक कैसे होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है सर्किट को, कुछ स्कीमेटिक्स जो है वो ऑनलाइन मिलते नहीं है, मोस्टली नहीं मिलते हैं, कुछ तो क्या कोई मोस्टली स्कीमेटिक्स नहीं मिलते हैं, बहुत कम स्कीमेटिक जो है वो ऑनलाइन मिलते हैं। तो हम खुद का स्कीमेटिक जो है कैसे बना सकते हैं, हमने कुछ स्कीमेटिक्स बनाए हुए हैं अपने, तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग में देते हैं और उसका प्रैक्टिकल्स सारा दिखाते हैं इसके अंदर ऑनलाइन ट्रेनिंग में। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर इस तरीके से पूरा अपग्रेड होना चाहते हैं, इन फ्यूचर प्रॉपरली सिस्टमेटिकली रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस हम आपके लिए प्रेजेंट करते रहेंगे, उसके लिए आप हमारा चैनल जो है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।